हेलो एवरीवन कैसे हैं आप मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे और ये है कंप्यूटर अप्लिकेशनज फॉर जे के एस एस बी एकाउंट असटेंट फॉर पंचायतीस इन जम्मू कश्मीर और ये है इस सीरीज़ का चौथा वीडियो और जो तीसरा वीडियो था उसका जो क्वेश्चन ऑफ द वीडियो था वो इस तरह था और मैंने आपसे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मांगा था और आज मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ आपके लिए तो क्वेश्चन था द लेटर आई इन एल एस आई सी रिप्रजेंट यानी जो लेटर आई है इन एल एस आई सी वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ऑप्शन आर इंटीजियर इनकेशन इंटीग्रेटेड एंड इंटीग्रल तो अगर इसकी फुल फॉर्म हम देखें तो वो है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्कट तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर तो अब हम आज के टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे तो आज का टॉपिक जो है ये हमने जो प्रीवियस वीडियो में टॉपिक दिया था क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं और हमने पढ़ा कि दो तरह के कंप्यूटर्स होते हैं एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स उसके बाद है डिजिटल कंप्यूटर्स में भी और भी बहुत सारे टाइप्स हैं लाइक हमने पढ़ा डेस्क टॉप तो आज हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं उस सीरीज़ को और उसके बाद हैं डिजिटल कंप्यूटर्स में आता है एक और टाइप दैट इज़ लैपटॉप तो दिस इज़ अ स्मॉल पोटेबल कंप्यूटर पोर्टेबल मीनस कि इट कैन भी टेकन विद अ पर्सन यानी एक शख्स इसको अपने साथ कैरी uh, कर सकता है और स्मॉल इनफ दैट इट कैन सिट ऑन लैप यानी ये हमारे ये इतने छोटे होते हैं कि हमारे गोद में ये समा जाते हैं डिज लैपटॉप कंप्यूटर्स और आल्सो कॉल्ड नोटबुक कंप्यूटर्स तो आजकल लैपटॉप कंप्यूटर्स का दूसरा नाम है नोट बुक कम्प्यूटर्स और हैल्ड कम्प्यूटर्स और पाम टॉप कम्प्यूटर्स ये कौन है दिस कम्प्यूटर लैपटॉप येपटॉप से होता है इट इज सो स्म इट लिटरली फिट इन पाम ये इतना छोटा होता है कि हमारे हथीली पे ये इसको हम रख सकते हैं कैरी कर सकते हैं पाम टॉप इसलिए इसको पाम टॉप कहते हैं बिकॉज ऑफ दियर स्मॉल साइज मोस्ट पाम टॉप कंप्यूटर डू नाट इंक्लूड डेस्क ड्राइवर्स। यानी चूँकि इनका साइज़ बहुत छोटा होता है तो ये अपने साथ जो है डेस्क ड्राइव एक टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए हम वी कैन रीड राइट और डिलीट आर एवन मोडिफाइड डाटा लेकिन इसका सामान होता है पाम टॉप कंप्यूटर्स का इसलिए इसमें ये जो है डेस्क ड्राइवर्स नहीं होते हैं कंप्यूटर फुल साइज कंप्यूटर्स पाम टॉप्स और सवियरली लिमिटेड ये बहुत कम इस्तेमाल होते हैं बट दे आर प्रैक्टिकल फॉर सर्टन फंक्शनस सच एज़ फोन बुक्स एंड कैलेंडर्स लेकिन इसमें अक्सर फंक्शनस होते हैं लाइक फ़ोन बुक्स एंड कम्प्यूटर्स दी कैलेंडर्स तो फ़ोन बुक से मुराद है कि इसमें फ़ोन डायरेक्टर होते हैं जिसमें हम लिस्ट करते हैं बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और फ़ोन नंबर्स उसके बाद है पर्सनल डिजिटल कंप्यूटर्स और असिस्टेंटस तो ये हैं पाम टॉप यूज आ पेन राधा देन अ कीबोर्ड तो ये भी एक पाम टॉप का जैसा कंप्यूटर है लेकिन इसमें हम जो हैं पेन इस्तेमाल करते हैं किसकी जगह कीबोर्ड की जगह की की पे फॉर इनपुट और ऑफन कॉल्ड पी डी एज लिए इस्तेमाल करते हैं पेन फॉर इनपुटिंग डाटा यानी इसमें हम डाटा इनपुट कर सकें बाय पेन तो इनको दूसरा नाम है PDAs, पी डी एज पर्सनल डिजिटल असटेंटस पी डी एज मतलब पर्सनल डिजिटल असटेंटस दिस इज़ दिस इज़ हैंड हेल्ड डिवाइस दैट कम्बाइन कंप्यूटिंग ये एक हैंड हेल्ड डिवाइस है ये इसको हम हाथ में ले रख सकते हैं और ये कंबाइन करते हैं कंप्यूटिंग को टेलीफोन फैक्स एंड नेटवर्किंग फीचर्स ये तीन फीचर्स जो हैं यानी कंप्यूटिंग टेलीफोन फैक्स एंड नेटवर्किंग फीचर्स इनको ये कंबाइन करते हैं पीडीए डी ए कैन फंक्शन एज एलुलर फोन जिस तरह हमारा मोबाइल फ़ोन काम करता है इसी तरह पीडीए भी फंक्शन करता है फैक्स सेंडर ये फैक्स सेंड करते हैं इट इज़ लाइक ए टेली डॉक्यूमेंट एंडसनल ऑर्गेनाइजर पी डी ए वज पाई नाई एप्पल याद रखना पी डी ए बाई Apple, which introduced the new न्यूटन Message Pad in 1993. नाइनटी थ्री ये इंफॉर्मेशन याद रखना कि ये जो PDA था, ये डी it was pioneered by Apple, which introduced the Newton Message Pad in 1993. फिर है टैबलेट पीसी. इट इज ए नोट बुक स्लेट शेपड यानी एक रॉक है जिसको हम स्लेट शेपड कहते हैं तो इस तरह की शक्ल होती है टैबलेट पीसी की मोबाइल कंप्यूटर, इस इसके साथ एक टच स्क्रीन होता है और ग्राफिक्स टेबल यानी ऐसा टेबल जिसके जरिए हम वी कैन ड्रा विच अलाउ यूज़र टू तो ऑपरेट कंप्यूटर विद ए डिजिटल पेन डिजिटल पेन और स्टाइलस और फिंगर स्ट्रिप यानी इसमें क्या होता है एक डिजिटल पेन होता है जिसको हम कहते हैं स्टाइलस या फिंगर स्ट्रिप तो इसमें ये इस्तेमाल होता है वायरल कीबोर्ड गी कैन भी कनेक्टेड टू तो दिस फॉर इन फॉर फार इनपुट यानी अगर हमें बहुत ज़्यादा मेदार में इनपुट टेक्स्ट करना हो तो इस हम इस कीबोर्ड के जरिए कर सकते हैं जो इसकी जो एक वायरलेस कीबोर्ड होता है कनेक्ट टू दिस टैबलेट पी सी अदर मॉडल ऑफ़ टैबलेट पी सीज़ और कन्वर्टेबल मॉडल लाइक स्क्रीन कैन रोटेट ओवर और दीबोड एंड हाईब्रिड मॉडल वायर द स्क्रीन इज़ फिक्सड ऑन द कीबोर्ड उसके बाद है वर्क स्टेशन अ पावरफुल सिंगल यूजर कंप्यूटर जो एक पावरफुल सिंगल यूजर कंप्यूटर है वर्क स्टेशन इज़ लाइक अ पर्सनल कंप्यूटर ये भी एक पर्सनल कंप्यूटर की तरह है बट इट हैज़ ए मोर पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर लेकिन इसका जो प्रोसेसर होता है यानी सीपीयू होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है एंड इन जनरल हायर क्वालिटी मॉनिटर यूजड इन कंप्यूटर एडिड डिज़ाइन एक हाई क्वालिटी मॉनिटर इसमें होता है जिसको हम कंप्यूटर एडिड डिज़ाइन करते हैं एंड अदर एप्लीकेशनज रिगार्डिंग रिक्वायरिंग ए हाई एंड यूजली एक्सपेंसिव मशीन विद कंसिडरेबल कैलकुलेटिंग और ग्राफिक्स कैपेबिलिटी तो ये वर्क स्टेशन में होता है फिर है यहाँ पर एक टर्म दैट इज सर्वर ये सर्वर क्या है टर्म सर्वर एक्चुअली रेफर्स है कम्प्यूटर्स फंक्शन याद रखना ये कंप्यूटर का जो फंक्शन है उसको हम सर्वर कहते हैं ना कि यह कोई कंप्यूटर नहीं है इसको हम अक्सर कंप्यूटर समझते हैं लेकिन ये है कंप्यूटर की एक फंक्शन ए सर्वर रन ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स ये जो सर्वर होता है ये बहुत सारे नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स को जो है रन करता है इट हैंडल्स द शेयरिंग ऑफ इक्विपमेंट लाइक प्रिंटर्स एंड कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क तो इसमें शेयर हम कर सकते हैं इक्विपमेंट्स लाइक प्रिंटर्स एंड कम्युनिकेशन कर सकते हैं कंप्यूटर्स के दरमियान थ्रू सर्वर्स फॉर सच टास्क कंप्यूटर वुड नीड टू बी सम वाट मोर कैपेबल दैन अ डेस्क टॉप कम्प्यूटर तो एक डेस्क टॉप कम्प्यूटर से इसका कैपेबल होना ये ज़्यादा कैपेबल होना ज़रूरी है हम बात करेंगे सुपर कंप्यूटर की तो ये सुपर कंप्यूटर के दिस इज़ अनदर कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर्स, द सुपर कंप्यूटर विच इज़ समाट सिमिलर टू मैन फ्रेम कंप्यूटर यानी जो हमने पढ़ा पिछले पिछले वीडियो में कि मैन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं लार्ज साइज कंप्यूटर्स या मल्टी यूजर कंप्यूटर जिसमें हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स एट अ टाइम जो हैं काम कर सकते हैं दीज़ आर लार्जेस्ट फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव ये बहुत ही ला बड़े होते हैं फास्टेस्ट होते हैं एंड दे आर मोर मोस्ट एक्सपेंसिव बहुत ही महंगे होते हैं दे आर यूज फॉर दे आर यूजड फॉर मैसिव डाटा प्रोसेसिंग एंड सॉल्विंग वेरी complicated problems. लाइक वेदर फॉरकास्टिंग इसके जरिए होते हैं वेपनज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट रॉकेटिंग अटामिक न्यूकलियर एंड प्लाज्मा फ़िजिक्स ये याद रखना यह पॉइंटस द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ सुपर कम्प्यूटर्स लाइज इन द रेंज ऑफ फोर हंड्रेड टू टेन थाउजेंड मिलियन इंस्ट्रकशनज़ पर सेकेंड एम आई पी एस यानि मिलियन इंस्ट्रकशनज़ पर सेकेंड ये रेंज याद रखना एग्जाम्पल ऑफ़ द सुपर कम्प्यूटर्स और एका ई के ए अमरीका विच वॉज़ डेवलप्ड बाई द टाटा ग्रुप याद रखना पुणे, इंडिया इन नवंबर टू थाउजेंड सेवन इट इस द फर्स्ट इन एशिया एंड द एट्थ फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड एज ऑफ जून टू थाउजेंड एट परम एक और सुपर कंप्यूटर डेवलपड बाई सी डी ए सी यानी द कंट्रो फॉर डेवलपमेंट द सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांसड एडवासड एडवांसड कम्प्यूटिंग इन पुणे इंडिया क्रे थ्री डेवलप्ड बाय सेंट्रल डाटा कॉर्पोरेशन जापान एस एक्स थ्री आ ट्वेंटी फाइव पॉइंट सिक्स जी फ्लापस एन ए सी मेक हाई टेक एस थ्री हंड्रेड थर्टी टू जी फ्लाप हाई टेक मेक एस्ट्रा हाई टेक एसेंडर इज़ द लेटेस्ट एंडस्ट सुपर कम्प्यूटर तो ये सारे सुपर कम्प्यूटर्स है तो आइए अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चनस की ओर तो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन ऑन द टॉपिक थ्रू आउट दिस वीडियो तो क्वेश्चन फर्स्ट इज़ लैपटॉप कंप्यूटर्स आर आल्सो कॉल्ड ऑप्शन ऑन नोट पैड नोटफोन नोट बुक डी नोट तो अभी हमने पढ़ा दैट इज नोट बुक क्वेश्चन सेकंड इज़ पॉकेट कंप्यूटर्स आर आल्सो नोन एज जो पॉकेट कम्प्यूटर्स है इसका दूसरा नाम क्या है पाम टॉप हैंड हेल्ड बोथ बूथ एंड बी तो ये दोनों हैं पाम टा बी एंड हैंड हेल्ड को इनको कहते हैं पॉकेट कंप्यूटर तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर फिर क्वेश्चन थ्री द एक्रोनियम फॉर पर्सनल डिजिटल कंप्यूटर्स इज़ इनके लिए जो है एकम क्या है यानी शॉर्ट फॉर्म क्या है पी डी सी पी डी ए पी डी आई सी पी डी सी एस तो अभी आपने पढ़ा दैट इज पी डी एनि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इसका दूसरा नाम in है पर्सनल डिजिटल कंप्यूटर क्वेश्चन फोर इज न्यूटन मैसेज पैड वाज इंट्रोडूसड नाइन्टीन नाइन्टी थ्री बाई सेमस नोकिया आई फोन एपल तो आंसर है एप्पल फिर क्वेश्चन फाइव द टर्म सर्वर रेफर्स टू कंप्यूटर सी पी यू फंक्शन ऑब्जेक्ट अभी हमने पढ़ा दैट इज कम्प्यूटर्स फंक्शन क्वेश्चन से कि सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च प्लाज्मा फिजिक्स ऑल द थ्री तो ऑल द थ्री इज द आंसर अभी हमने ये पढ़ा फिर क्वेश्चन ऑफ़ द वीडियो है इसका आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में देना और मैं इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा क्वेश्चन इज व्हाट इज आई इन एम आई पी एस ऑप्शन आर इंस्ट्रक्शन ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड ऑप्शन सी इंटे इंटेलैक्ट एंड ऑप्शन डी इंटेलिजेंट तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना ये वीडियो एक दो बार आप देखोगे तो आपको जो है ये ये जो मैं मैंने इसमें आपको समझाया डिस्कस किया हमने तो वो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा और ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी फिर अपने आप आप सॉल्व कर पाओगे तो इस चैनल के साथ बने रहने के लिए इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स बॉक्स में अपने कमेंट्स भी करें और बेल आइकन पे भी दबाएँ ताकि आपको सबसे पहले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें शुक्रिया गायस